लिखी होगी, जिसने किताब छापी होगी दोनों के खिलाफ होगा। कौन सी किताब है पता नहीं, राष्ट्र राजदेव बता रहे को, राजदेव अग्निपथ को लेके भी, अग्निपथ में 30 तारीख में जिला मुख्यालय पर हम जाएंगे, प्रदर्शन होगा, वही ज्ञापन देंगे, वहाँ उस दिन रहेंगे, बट्ठे क्या रहेगा, अगला निर्णय वहाँ से ही लेंगे, जैसे बच्चे चाहेंगे हम ऐसे करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहें और हम बच्चों के साथ में पूर्ण रूप से। 4 साल की नौकरी नहीं होती, 4 साल का तो बहकावा और कागजों में लिखी जा, 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? विधानसभा एमपी एमएलए 4 साल में ये कोई प्रस्ताव जा सकते हैं कि हम एक बार लड़कर दोबारा नहीं लड़ेंगे? ये भी ले आवे अपने को और ये भी पेंशन नहीं लेंगे, 4 साल का कर दे, 5 साल का ही रखना, लेकिन ये करता कि जो एक बार लड़ेगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा, हम ये प्रस्ताव भी ले आए और कोई पेंशन नहीं लेंगे। हम भी सोच लेंगे भाई पॉलिटिकल आदमी भी 4 साल ही रहेगा, ये चलेगा नहीं देश में, देश संविधान से उससे चलेगा, देश ये नहीं कि जो कुछ ये कहेंगे उसी से ही चलेगा, ये तो जनता है। कल को कोई मार्च भी कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक जाएंगे मार्च करके जाएंगे। इसके अलावा कौन और कौन से किन विषयों पे विचार में यही है? और तो गन्ने के हैं यहाँ पे, 100 करोड़ रुपया हरियाणा का है, उत्तराखंड में उस पर है, हरियाणा उत्तराखंड के बारे में बातचीत हुई कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे दिया, तो बहुत से इशू यहाँ पे है, जल पे है, एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, वो सारे इशू हैं, वो हम कल जारी करते हैं। सर एक बात कही आप, यहाँ तो किताब छटेगी नहीं तो रोड़ा होगा हमारा, शाखा हमारी भी लगेगी वही, लाठी के साथ भी लगेगी, हमारी भी लगेगी शाखा, हाँ हमारी भी लगेगी शाखा भाई, या तो ऐसा छांट लो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो, नहीं तो भाई हमारी भी शाखा लगेगी भाई, हम भी किताब बांटेंगे ना, फिर हम भी बांटेंगे। किसान की लाठी तो परमानेंट है, तो फर्जी राख रहे, ये जहर घोलने का काम करते हैं, इसका तो आज पता चला, मतलब हमारे खिलाफ छाप दी, क्या है इनकी सोच, क्या है इसके पीछे, इनकी सोच तो भाई जो कई एक निर्णय उनको वापस देना पड़ा उसकी वजह सब, नहीं नहीं ये तो पहले से ही लग रहे भाई, इन्होंने शांति का पुजारी महात्मा गांधी उसकी हत्या कर दी तो उसकी पूजा कर रही है, ये पूजा पाठी तो लगते हैं, ये ऐसा तो लगते हैं कि जैसे बहुत पूजा पाठ वाले हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन ये जो कुर्बानी देते थे मंदिरों में, जो बलि प्रथा थी, ये उस परिवारों से हैं, ये बलि प्रथा वालों से हैं, ये पूजा पाठ तो करें लेकिन ये बलि प्रथा वालों से हैं, मतलब हमारे खिलाफ छाप रहा क्या, क्या है उसमें किताब? उसमें ये कह रहा क्या कि हमने खालिस्तानियों का समर्थन करा और हम खालिस्तानियों के साथ में हैं, भाई वो बता दे कहाँ कहाँ है, हम किसके साथ में है, क्या सबूत है वो बता दे, क्या देश में पूरे सरदार खालिस्तानी है, वे खालिस्तानी जाए मुसलमान पाकिस्तान जाए हम कहाँ जाए, हमें बता दो, जिसने भी हमारे खिलाफ वो करा है हम उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, आरएसएस की शाखा का पूर्ण रूप से वहाँ पे विरोध करेंगे, जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आता, कितनी किताबें बांटी हैं, अगले लेख में हमारे परिवार के बारे में जो छपा है, संगठन के बारे में छपा है, उसमें वो ठीक तरीके से छपे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।